ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ आपकी लाइफ फुल ट्रैक पे जा रही होती है, आप इन्जॉय कर रहे होते हो और फिर अचानक से एक इवेंट आता है, मेन इवेंट आता है और फिर पता है क्या होता है, ये दाने निकल आते हैं। यार मुझे नहीं गुजारनी ईद इसके। हाँ यार आज ईद है और मुझे ईद का आज ज़रा भी दिल नहीं है, मतलब कि यार आज ईद है और मुझे खुशी नहीं है ईद की, ये क्या है यार। और ऊपर से मैं कल रात को कपड़े लेकर आया हूँ, मैंने कहा कि इस दफ़ा ईद पे कपड़े भी नहीं लूँगा, वो तो दोस्त ने कहा था कि उल्लू जाके कपड़े लेकर आ ये तो वो, फिर जाके मैं उसके कहने पे कपड़े लेकर आया हूँ और कपड़े नहीं मैं पैंट शर्ट लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे क्रिटिसाइज़ करना है कि ईद पर तुम पैंट शर्ट पहनोगे, और वो भी मैं गाँव जा रहा हूँ अभी अभी टाइम बज रहा है 4 बजे ठीक है, और मैं गाँव जा रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे गाँव में। हाँ भाई तो यार ईद की नमाज़ पढ़ ली है और मुझे पता है कि व्लॉग जो है ये थोड़ा देर से अपलोड होगा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ़ से आपको और आपके घर वालों को ईद मुबारक। और ये पीछे अभी मैं ओपन सी मस्जिद थी, यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है कि यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला लड़का हूँ जिसने पैंट शर्ट पहनी है, अकेला लड़का, हज़ारों में सिर्फ अकेला लड़का। और ये है कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई है, तो अभी मैं घर जा के खाना वगैरह खा के सो जाऊंगा, तो मैं सो के उठ से आपके बात करता हूँ। ईद मुबारक, सलाम करो दूसरे हाथ से। ये कैसे खा रहे हो? ओके फिर बाजी ना गल कर। वो देखो ये क्या कर रहे हो, ये देखो ये देखो। सलाम करो, ठीक है काम करो, काम करो, तो मारूंगा मैं, ईदी नहीं दूंगा। सलाम करो। हम ज़ैन मामू ईदी दे रहे हैं। वालेकुम जी, आज साहब क्या है जी? ये देखो हम सलाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कार के दिए। ये फंसा के रखी थी मैंने, तो फरमाने इधर से तेरा तारे इधर दूसरा दे लेते हैं चढ़ाई में, दूसरे दिल जा रहे हो तुम। तो स्पीड ये लो, सामने हो। नहीं तो वीडियो मैं किसको दिखानी है? खुश हो आप? मामला ऐसे हैं कि 1.5 घंटा सोने के बाद काफ़ी बोर हो रहा था नीचे खाला लोगों के घर, तो अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ, 10-15 मिनट की ड्राइव ऊपर है, तो अभी अपने घर आके बैठा हूँ। तो अपने घर में छोटा सा दे देता हूँ आपको, टूर दे देता हूँ। ये हमारा कमरा है, मतलब इस घर में और भी मेरे चाचू लोग भी रहते हैं, तो अभी हम लोग क्योंकि मूव कर गए थे रावलपिंडी, तो यहाँ पे उसे चाचू लोग ही रहते हैं जब हम आए, तो हमारा ही कमरा ये है, बाकी उसे चाचू लोगों का घर हो गया। और यहाँ पे ना अभी काफ़ी बिल्ड कर लिया घर ना, आप देख रहे हैं ये इसमें सीमेंट नहीं होता था, ये खाली मिट्टी होती थी, यहाँ पे दरख्त होते थे बिल्कुल, ये यहाँ पर खुबानी का दरख्त होता था, इधर आलू बुखारे का दरख्त, इधर नहीं होता था इस साइड पर, इधर आलू बुखारे का दरख्त होता था, सामने अंगूर का दरख्त होता था, लेकिन अब ये सारा सैंड डाल दिया है तो ये सारे दरख्त ख़त्म हो गए। यहाँ पे टमाटर होते थे, टमाटर भी ख़त्म हो गए हैं, तो इधर बस एक ये अमरूद का दरख्त रह गया, ऑरेंज दरख्त रह गया, वो भी अमरूद का दरख्त है, वो दरख्त मुझे भी नहीं याद कि इसका दरख्त है, ये लुकाट आ गई है, लुकाट का एक दरख्त ये भी है। तो ये घर था हमारा छोटा सा। अभी ये 2 मिनट बारिश नहीं, तो सामने पहाड़ों पे अगर नज़र आ रहा हो आपको तो ये धुंध आ गई है,
मतलब गर्मियों में अभी तक धुंध आ रही है तो सर्दियों में क्या सीन होता होगा बारिश में। हम सर सकोई दीवाना नहीं है जाना पेड़ो है। देख रहे हो लड़के का जुनून यार। अभी आज ईद का दिन है और ईद के दिन भी स्विमिंग को मैंने ना वो क्या कहते हैं रेस्ट नहीं दिया क्योंकि मैं इधर अबू वाले गांव आता ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं स्विमिंग कर सकूं। तो अब काफ़ी ज़्यादा ना तपश सी हो रही थी तो अभी स्विमिंग करने आए हैं बस। यहाँ से अभी कपड़े चेंज करके ताकि अरे कपड़े गंदे ना हो कपड़े चेंज करके स्विमिंग करेंगे। आए हैं जोर लगाओ ये हमारे इब्राहिम भाई। यहाँ हम नहाने आए थे लेकिन नहाते रहाते गाड़ी से ख़राब हो गया था। अभी दिगर लगा के काफ़ी दूर से लेके आ रहे गाड़ी को। ये मोड़ा है या गाड़ी में गैस खत्म हो गई है पेट्रोल। लोगों के कजन ईद पे आउटिंग करने कहीं बाहर जाते हैं हमारे चाचू ने हमें बंद करके टिकटॉक बुलवा रहे हमसे। ये देख ले कमरे के दरवाजे भी बंद किए हुए हैं कोई देख तो ले। पंखे भी ऊपर से बंद कर दिए गए। वीडियो बना रहा था मैं यार खून निकलता पे।